हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो गुड लक ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है वन हैंड ऑपरेशन प्लस। दोस्तों उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट के बाद वहां पर क्या नए चेंजेस किए गए आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ वन हैंड ऑपरेशन ऐप के नए अपडेट के बारे में और नए चेंजेस के बारे में। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है अपने उसके मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे अपडेट्स में, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपडेट्स अवेलेबल मिल रहा होगा जो कि वन हैंड ऑपरेशन ऐप का आपको दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वहां पर अंदर चले जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको पहले तो अपडेट में लगा देता हूँ, ठीक है, ये अपडेट करने लगा देता हूँ जब तक हम इसको नीचे आके देखते हैं। ये अपडेट वर्जन है 5.5.25.0 जो कि 3 अगस्त 2022 को रोल आउट किया गया है। 4.6 MB का ये अपडेट आया है, मतलब कि कल के दिन इसको रोल आउट किया गया है। और आप यहाँ नीचे देखेंगे इसमें क्या क्या नए चेंजेस किए गए इस अपडेट में। यहाँ पर सपोर्ट वन यू आई 5.0 जिनमें एंड्रॉयड 13 या फिर सैमसंग वन यू आई 5.0 का अपडेट आ चुका है, जिन्होंने कर लिया है तो उनको भी ये काम करेगा, सपोर्ट करेगा। और साथ में इम्प्रूव किया है विजार्ड पॉपअप फीचर को। विजार्ड पॉपअप फीचर पहले भी लॉन्च कर दिया गया था, बट उसमें कुछ बग्स थे, जो भी थे उसको वहाँ पर इम्प्रूव किया गया और उसकी वर्किंग को यहाँ पर फास्ट कर दिया गया। साथ में बग्स फिक्स एंड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। अगर आपको नहीं पता पॉपअप व्यू में कैसे यूज़ करते हैं या विजार्ड पॉपअप वाला ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आपको पता नहीं है कि वन हैंड ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं इस ऐप को, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हम पॉपअप विजार्ड्स का यूज़ करने वाले हैं। लेफ्ट एंड हैंड पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डाइकोलन डाउन पे विजार्ड्स पॉपअप को यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइक मैंने यहाँ पर डाइकोलन डाउन पे विजार्ड पॉपअप को सेट कर रखा है। अब मैं नीचे की तरफ करूंगा तो ये पॉपअप विजार्ड खुल जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर विजार्ड को सेट ऑन कर सकते हैं। कैसे, लाइक मुझे यहाँ पर चेंज करना है विजार्ड में कुछ, अब मैं इसको दबा के रखूंगा, यहाँ पर करूंगा विजार्ड्स पॉपअप साइज, अब मैं इसका साइज तक भी चेंज कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा, पॉपअप साइज पे आप 4.4 भी कर सकते हैं, 4.3 भी कर सकते हैं। पहले मुझे यहाँ से रिमूव करना रहेगा, उसके बाद मैं यहाँ पर उसका साइज को भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। लाइक अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं पॉपअप साइज पे आऊंगा तो 4.4 भी कर सकता हूँ, और रिमूव कर दूंगा तो पॉइंट यहाँ पर और भी चेंज कर सकता हूँ साइज को। आप देखेंगे अब मुझे चेंज करना हो तो यहाँ पर मैं साइज को चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहे होंगे साइज यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी विजार्ड्स को लगाना है तो सिंपल यहाँ पर टैप करना है या ऐड विजार्ड्स पे करना है। एज विजार्ड्स में जाकर आपको सारी ऐप मिल जाएंगी, जिस ऐप का विजार्ड्स आपको वहाँ पर लगाना है। तो लाइक मुझे गूगल का लगाना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। विजार्ड्स पॉपअप का मतलब क्या है कि आप शॉर्टकट से, मतलब आप कोई सी भी ऐप में हो, लाइक आप कोई भी हो, कुछ भी खोल के रखा है, आपको कोई विजार्ड्स को ओपन करना है तो सिंपली आप नीचे तरफ ड्रैग करेंगे, जो भी आपने जिस पे सेट कर रखा है आपको सारे विजार्ड्स वहां पर खुल जाएंगे, तो आप फट से उन विजार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो क्विकली सर्विस के लिए विजार्ड्स पॉपअप का यूज़ किया गया है। अगर आपको कोई पेज को यहाँ पर, मतलब इतने सारे पेज तो हो चुके हैं, अगर आप किसी ऐप को या किसी पेज को हटाना हो तो सिंपल यहाँ ड्रैग करें और यहाँ पर आप डिलीट पेज करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अगर ऐड करना है तो यहीं क्लिक करें और यहाँ ऐड पेज कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 पेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यही नया अपडेट था, तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी बता सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।